साथियों, किसी भी भारतीय से एक सवाल पूछा जाए कि ऐसा कोई बिजनेसमैन बताओ जो पैसा तो कमाता हो पर आपका दिल जीता हो, आपके दिल में रहता हो, तो हर भारतीय के मन से एक ही आवाज़ आएगी, जो है रतन टाटा सर। रतन टाटा सर ने एक और कारनामा करके दिखाया है, जो किया है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। उन्होंने 4x4 का बख्तरबंद व्हीकल बना दिया है, जिसे हम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल यानी QRFV भी कहते हैं। अब क्या है ये क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और कहाँ यूज आता है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं विदेशी अड्डा। दरअसल 2 साल पहले गलवान घाटी में जब हिंसक झड़प हुई थी, उसमें देखा गया था कि चीनियों के पास इस तरह के व्हीकल पहले से ही मौजूद थे। इसी कड़ी में भारतीय सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना प्राइवेट कंपनियों को इसका मौका दिया जाए, जिसमें सबसे पहले टाटा ने इस तरह के व्हीकल का निर्माण किया है। आपको बता दें कि अप्रैल में ही टाटा ने इस तरह के व्हीकल को इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। इन व्हीकल्स की बात करें तो इनकी जो चौड़ाई है वो 21 फीट है और लंबाई 8 फीट। 14 टन वजन ये खुद है और 2 टन का वजन उठा सकता है और 240 HP का इंजन है। 6 गियर है इसमें। यह 4x4 इंजन के काम करता है। 4x4 का मतलब जो हमारे आसपास गाड़ी देखी जाती हैं वो 2x4 होती हैं, यानी 2 चक्कों में ही गियर पाया जाता है। 2 चक्कों में जब स्पीड कराते हैं तो आगे वाले चक्के अपने आप भागते हैं, पर इसमें क्या होता है 4x4 मतलब आगे भी गियर द्वारा ही भागेगा, इंजन के द्वारा ही, और पीछे भी इंजन के द्वारा ही भागेगा, जिससे कीचड़ में फंसने और पहाड़ों में चढ़ने में कोई दिक्कत ना आएगी। यह ज़मीन से 315 mm ऊँचा है, जिससे कीचड़ में तो फंस ही नहीं सकता। इसकी मैक्सिमम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकता है और टूटी हुई रोड में भी यह सफ़र कर सकता है। युद्ध वाले एरिया में अक्सर ही रोड टूट जाती हैं, जिसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आपको बता दें कि इसमें टायर जो है RUN का लगा है, मतलब इसमें पंचर होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चलता ही रहेगा। यह माइन प्रूफ और बम प्रूफ है, इसमें बम और माइन का कोई असर नहीं होगा। आपको बताते हैं कि जब बम फोड़ते हैं तो वहाँ एक जहरीली गैस निकलती है, जिसके कारण सैनिकों को एक मास्क पहनना पड़ता है, एक हेलमेट की तरह होता है, जिससे कि उनकी गैस ना आ सके। पर यह गैस प्रूफ भी है, यह अपने आप गैस को फिल्टर करके ही अंदर भेजता है, मतलब इसके अंदर जो सैनिक बैठा है उसके गैस का भी कोई असर ना होगा। इसमें 10 फायरिंग पॉइंट दिए गए हैं और यह बुलेट प्रूफ भी है, मतलब 90 डिग्री बुलेट भी इसमें कोई असर नहीं करेगी। और इसके ऊपर एक तोप दिया है जो 360 डिग्री टर्न कर सकता है, चारों तरफ घूम करके दुश्मन को मार सकता है। और इसमें की एक और खास बात है कि यह पीछे से खुलता है। पीछे से खुलने से सबसे खास बात यह होती है कि इसमें 2 या 3 व्हीकल को अगल बगल खड़ा करके इसके कवर बनाया जा सकता है, जिससे और कहीं से गोली ना आ सके। आपको बता दें कि इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे सैटेलाइट्स द्वारा यह इंडियन आर्मी से बात कर सकते हैं। थर्मल कैमरा है। थर्मल कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जिससे इंसान का टेम्परेचर देखा जाता है कि 37 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पास होता है वहाँ पास ये मान लिया जाता है कि इंसान है। आपको बता दें कि यह भारत के साथ साथ इसने सेल भी करना स्टार्ट कर दिया है। अफ्रीका में UN की पीस कीपिंग फोर्स है, उसको यह डिलीवर भी कर चुका है और उससे ऑर्डर भी ले चुका है। अर्थात अब भारत की विदेशी कंपनियां दूसरे देश में भी अपना व्यापार करने में शुरू कर रही हैं, जिससे भारत एक एक्सपोर्टर बन रहा है। एक बात और कि आप लोग छोटे यूट्यूबरों को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।